अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम प्यारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुणयो गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी भोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु अवगुण चित न धरो, प्रभु अवगुण चित न धरो। बड़ा सुंदर पद है, एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो जब मिल के तो एक बरन भये, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात करो, प्रभु जी मोरे अवगुण प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। भगवान से प्रार्थना, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करें, और कैसी प्रार्थना करें, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए शिव जी के संग, रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी तीनों ने तप किया। देखो सबने सुख संबंधी वरदान मांगे। रावण तो बोला कि हमें कोई मार ना पावे, हम काहू के मर ही ना मारे, इसमें व्यंग समझ गए आप। रावण कह रहा कि हमें कोई ना मार पावे, हम चाहे सबको मार डालें। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए। ब्रह्मा जी ने काम सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, जन्म के देवता के साथ मृत्यु का देवता उपस्थित है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मरो मत, मरना ही होगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मरना तो पड़ेगा ही। बुंदेलखंड के एक महात्मा गा रहे थे, तुम्हें बुरो लगे चाहे नो नो जू, एक दिन
होने कोनो जू। तुमको बुरा लगे चाहे भला, तुम्हें बुरा लगे चाहे नोनो जू, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, पर एक दिन होने कोनो जू। एक दिन जाना है। आए लुबुआ मुरकत नैया, लेने वाले आते फिर वे खाली हाथ नहीं जाते। आए लुबुआ मुरकत नैया, किसी तरह कुछ दे देकर चाहे तोल देओ सोनो जू, एक दिन होने गोनो जू। निश्चित है जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रावण ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ना मरो। हां अपने ढंग से मौत मांग लो। तो रावण ने कहा मरना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल, तो फिर हम बंदर जिसके बस में हो उस मनुष्य के हाथों मरे। हां ये हो सकता है। अब रावण ने सुख का ही वरदान मांगा कि हमारे जैसा कोई राजा न हो, हम ऐसे हों और हम ऐसे हों। इन्होंने तो समाज का सुख सब हमारे बस में हो ये मांगा रावण ने। और विभीषण जी कुंभकर्ण ने उसने कहा हमें क्या करना समाज से, हम तो खाएं और सो जाएं, बस सोते ही रहे। जब भूख जोर से लगे तब आंख खुले और खा पी के फिर सो जाए। फिर देखो हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका नहीं है। धर्म शास्त्रों ने हमें कितनी आज्ञा दी है सोने की। हमारे एक परिचित सज्जन है महाराज, अद्भुत, वो जगते कम है हमको ही पता नहीं लगता। सवेरे 7-8 बजे जगेंगे, जल्दी नहा के आ जाएंगे, तिलक लग लगा के कहे महाराज चाय बन गई, या चाय पी लो नाश्ता कर, फिर कहेंगे थोड़ा आराम कर लें, अभी क्या कर रहे थे तुम, सो जाएंगे महाराज गजब के, फिर सो जाते नींद लग जाती, हम तो देख देख के आश्चर्य करते, और 12 बजे फिर जगेंगे महाराज भोजन बन गए, हां बन गए करो भोजन कर, तो थोड़ा आराम कर ले। शाम को 4-5 बजे तो बस आ रहे महाराज थोड़े आराम कर, भगवान जाने दिन रात ऐसे ही खाने वाले। एक आदमी खाने बैठा महाराज बंद ही ना करे, परोसने वाला परोस है और बार बार खाने वाला क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे। परोसने वाला परेशान हो गया, सो बोला दाने दाने के, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और महाराज खाए जाए खाए जाए। एक ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। सो बोला बीच तो आए, एक सज्जन बोले अब ये नींद है भूख है प्यास है ये तो प्राकृतिक वेग हैं, प्राकृतिक वेग है, अपने हाथ में कुछ आई नहीं, अब लगी तो लगी भूख, नींद लगी तो लगी। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर हमें एक बात बताओ, ये सिर से जो बाल निकलते हैं ये भी प्राकृतिक हैं कि नहीं, ये निकलते ही हैं, पर प्राकृतिक निकलने वालों को भी हम व्यवस्थित करते हैं बनवाते हैं। नाखून निकलते हैं हम काट देते हैं, उंगली से नीचे बने रहे ऊपर निकले उनको नाखून बोलते हैं, कितना बढ़िया नाम है, जिनमें खून ना हो आराम से कट जाएं। तो हर चीज व्यवस्थित रखते हैं, तो जब हम अपने बालों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने नाखूनों को व्यवस्थित रखते हैं, है? अब मान लो किसी को चेहरा ऐसे ही मिल जाए, आकृति और प्रकृति, आकृति होती है शरीर की, प्रकृति होती है मन की,
प्रारब्ध आकृति प्रकृति देता है ना, आकृति बदले ना प्रकृति बदले। अच्छा चलो, जैसी नाक आपको मिल गई वैसी रहेगी कि नहीं? आंख कान जैसे मिल गए वैसे ही रहेंगे। तो अभी तो मिल गए, सो मिल गए, अब हम क्या करें उसमें, मिल गए। अरे ऐसा नहीं है, मिल तो गए लेकिन को साफ सुथरा तो रख सकते हो कि नहीं? इसी तरह कितनी देर सोना है, कितना खाना है, कितना जागना है, इन सबको धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करो। पर कुंभकर्ण ने तो कब सो जाएं और खा रहे हैं, सोए और खाएं, सोए और खाएं। अब महाराज इतना ज्यादा तो कुंभकर्ण खाए कि कोई खा नहीं सकता। ब्रह्मा जी सबको चिंता हुई कि अगर ये रोज खाता रहा तो विश्व वेग सब चौपट होगी। अच्छा जो इतना खाएगा वो इतना ही सोएगा, इसलिए इनको व्यवस्थित करें। पर एक ने तो सोने का सुख मांगा, कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा और रावण ने सोने का सुख मांगा, सोने की लंका का सुख। रावण ने सोने का सुख मांगा और कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा। पर धन्य है विभीषण जी, इन्होंने क्या मांगा? ब्रह्मा जी शिव जी इनसे कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। हे पुत्र तुम वरदान मांगो, और कितना बढ़िया वरदान मांगा। हम सुख दुख के पार ले जाने वाले वरदान मांग रहे हैं। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, अपने हो हमन कब हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब हे प्यारे राम, हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे, हे प्यारे राम सुन सुन चरित तुम्हारे, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, हे प्यारे नाम आपकी सूरत सांवरी, हे प्यारे राम आपकी सूरत सांवरी, बस जय है त्रिगुण कब हे प्यारे राम, बस जय है त्रिगुण कब हे प्यारे राम, हे प्यारे राम घन संग चातक जैसे, हे प्यारे राम घन संग चातक जैसे, लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, हे प्यारे राम जन विनीत बनने का, हे प्यारे राम जन विनीत बनने का, बन जय है जतन कब हे प्यारे राम, बन जय है जतन कब हे प्यारे राम, ये भगवान आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग रहे, आपके चरित्र सुने, आपके दिव्य रूप का ध्यान करें। तई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरण कमलों का अनुराग लिखा। अनुराग भी कैसा, किसी मतलब से चाहे हम, कुछ चाहते हो इसलिए अनुराग हो। कमल अमल अनुराग, छल रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों के अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं,
श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। अमल अनुराग छल रहत प्रीति, हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों लेकिन प्रेम आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए आपके चरणों में प्रेम रहे। चाहे बैरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने लेकिन फिर भी आपके चरणों में ध्यान ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अजा भक्त तो निर्मल प्रेम चाहता है भगवान के चरणों में लेकिन भगवान के चरण कमल हैं। अच्छा एक बात बताओ भगवान के चरण कमल अच्छा कितने भी कोमल हो पर कमल जितने तो नहीं होंगे क्यों भाई? अब आप कहो भले ही नहीं लेकिन समझ तो आप भी रहे हो कि इतने कोमल नहीं होंगे। देखो भैया भगवान के चरण इतने ही कोमल है सबसे कोमल कमल और कमल से कोमल लक्ष्मी जी तब तो कमल उनका आसन बना। सबसे अधिक कोमल कमल कमल से कोमल कमला कमला से भी कोमल कमला के कर कमल हैं और उन कर कमलों से जब भगवान नारायण का वे पाद संवाहन करती हैं तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हैं वे चरण कितने कोमल होंगे। भगवान के चरण कमल कोमल है लेकिन एक और कारण है कमल की एक विशेषता है वो जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। भगवान के चरण जिस जगत जल में रहते हैं वे उस जल में डूबते नहीं है। अच्छा अभी एक बात बताओ भाव सागर से पार जाना कितनी साधना करो क्या क्या बनो बिल्कुल हल्की हो जाओ अहंकार से पार हो जाओ सूक्ष्म हो जाओ दुनिया भर की झंझट है और हम कहते हैं कि कुछ मत हो जाओ भगवान के चरण कमलों पर भौरा बनकर बैठ जाओ न चरण कमल डूबेंगे ना आपको डूबने देंगे। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर मन को भ्रमर बनाकर बिठा दो
कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन चरण कमलों को छोड़कर उड़ना नहीं, तो फिर डूबे बिना रह नहीं सकते। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़कर जाएगा कहां, चारों तरफ से फिर जहाज पे आ जाता है। और ये जहाज क्या है, यत पाद प्लव मेक में हो भवाम्भोधे स्थिति शावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम, जिनके चरण कमल जहाज है भवसागर से पार जाने के लिए, ऐसे राम नाम से ख्यात ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आदि शंकराचार्य से शिष्य ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र से पार जाने के लिए मुझे साधन क्या है, हे कृपालु गुरुदेव बतावें। गुरुदेव ने कहा, परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। तो भाई, इन चरणों का त्याग हम कभी ना करें, चरण ही पार ले जाएंगे। अब विभीषण जी वरदान तो मांग गया है, चरण कमल अमल अनुराग भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रहने लगे विभीषण जी लंका में, कुंभकर्ण तो सोए और रावण इधर उधर भाग दौड़ करे, और विभीषण जी राम 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 हे राम 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 हे राम 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 राम। विभीषण जी पर राम 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 कर रहे हैं, अर्थात सत्संग कर रहे हैं। राम नाम में उनका मन लग गया। और देखो कितनी अद्भुत बात है, जो राम नाम का संग करेगा अर्थात कीर्तन करेगा, राम 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 राम, मुझे नहीं लगता कि उसे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, गुरुजी चलकर उसके पास आ जाएंगे। श्री हनुमान जी आए और क्या सोच रहे हैं, यही यही सनहट करी हूं पहचानी, यही सनहट करी हूं सनहट करी हूं पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि, साधु ते हो न कारज हानि, यही सन यही सन, साधु ते हो न कारज हानि, यही सन यही सन यही सन यही सन यही सन
यही सन यही सन यही सन, इससे पहचान करूंगा। और ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाए, विभीषण जी आए। देखो राम नाम रटने वाले को क्या दिखाई देगा है? देखो राम नाम से भरे, एक तो ये सवेरे सवेरे जगे, मनवा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। अच्छा सवेरे जाकर किया क्या? राम राम, तो निश्चित समझ लो ये राम राम करते हुए सोए हैं, तो जागकर भी राम राम कर रहे हैं। हम लोग तो पहले जगते ही नहीं सवेरे, और जो जग जाते, हमने उन्हें देखा महाराज, एक वृद्ध व्यक्ति थे, जैसे ही जगे तो उन्होंने राम न सीता नाम राधे करके तकिए के नीचे हाथ डाला। तब लोग सुमिरनी कुछ निकाल रहे, वहां बिंडल निकाला, बीड़ी बोलो, इसका मतलब बीड़ी पीते ही पीते सोए, फिर जगती फिर बीड़ी। अरे भाई पहली बात तो जगें, और जगने के बाद भगवान के भजन में लगें। हम तो जगते ही नहीं, हमको तो जगाया जाता है, चाय जगाती है। सच में कई बार लगता है जैसे हम चाय पीने के लिए जगे हों। चाय पीते अखबार खाते, ये हमारी हालत है। पर विभीषण जी जागे, और जागते ही उन्होंने राम राम राम, हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, इससे पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और विभीषण जी कह क्या रहे कि तुम राम दीन अनुरागी। यह है जिसके भीतर राम नाम बसा होगा, वो जिसे देखेगा उसमें उसे भगवान ही दिखाई देंगे। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। ये आप भगवान के भक्तों में कोई है। अब आप विचार करना, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिख रहे हैं, भगवान के भक्त दिख रहे हैं, और सुग्रीव जी को, हमारे सुग्रीव जी को भगवान तक में नहीं दिख रहे थे भगवान। क्या बोले हनुमान जी से, भैया आप जाकर देखो, आप हमें तो डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा, पठवा बाली होए मन में, बाली ने भेजा हमें मारने के लिए, वही है ये बिल्कुल। अब बोलो दृष्टि बदल गई कि नहीं? पर आप भगवान, अरे नहीं नहीं भक्त, नहीं नहीं भगवान नहीं, फिर कौन हो? हनुमान जी प्रकट हो गए वानर रूप में, अपना नाम बताएगा। हमारा नाम मत लेना, बड़ा बुरा फल है इसका। नाम बताया और फल बताया, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है, दिन भर भोजन की छुट्टी। एक सज्जन हमसे कह रहे, क्या सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता? तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, रोज सवेरा होता है, ले ले हनुमान जी का नाम, पता लग जाएगा। बोले नहीं आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम लेने से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेते। तो उन्होंने भाई, अरे भाई इसलिए लगाया कि लोग भगवान का नाम लें, हमारा नाम ना लें, ये भक्त की धारणा। विभीषण जी ने समाचार दिया, हनुमान जी ने कहा कि देखो एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी हमारे जीवन, हमें राम जी मिल गए लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हें जानकी माता का दर्शन हो गया पर राम जी नहीं मिले। तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। हर युग में रामायण घटती है, ये पुरातन है और सनातन है। श्री हनुमान जी ने उस समय जाकर कहा कि तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। और इस
अतीत में बीते हुए अनेक युगों की घटना के बाद फिर वही घटना घटी जब हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए और उन्होंने भी यही कहा कि तुम हमें धन दो, हम तुम्हें धर्म का ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे, आत्मबोध देंगे। हम किसी तरह हीन नहीं है। अर्थाभाव से हीन व्यक्ति परमार्थ से हीन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा हमारे देश में खेत में हल चलाने वाला किसान भी जितना ज्ञान तुम्हें दे सकता है उतना तुम्हारे देश में बड़े बड़े आदमी के पास नहीं होगा। मैं उस भारतवर्ष से आया हूं। उन्होंने भी वही कहा कि तुम धन दो, मैं तुम्हें धर्म ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान दूंगा। और मुझे लगता है युगों पुरानी धारणा के बाद स्वामी जी का अवतार हुआ अथवा अवतार वरिष्ठ ठाकुर की कृपा से स्वामी जी जैसे प्रतिभावान महापुरुष जिन्होंने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। एक सज्जन कहते आत्म विदेश जाना तो हमारे यहां पाप है, विदेश जाना हमारे यहां पाप है, हम विदेश नहीं जाते। हमने कहा नहीं जाते तो विवेकानंद जी नहीं जाते, फिर तुम पाप ही करते रहते, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बोला आप विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं? हमने कहा हम तो करते हैं। बोले क्यों? विदेश यात्रा तो पाप है। तो हमने कहा सबसे पहले पापी हनुमान जी, तो विदेश ही गए थे सीता जी को ढूंढने।